राजन शाही का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपने करंट ट्रैक की वजह से नहीं बल्कि इसमें आने वाले लीप के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। लंबे समय से इसके लीड एक्टर्स को लेकर तमाम नाम सामने आए हैं। पहले फैमान खान, शहीर शेख, रणदीप राय जैसे कलाकारों के नाम सामने आ रहे थे। बताया जा रहा था कि 20 साल के जनरेशन लीप के बाद इनमें से किसी एक की एंट्री हो सकती है, मगर अब जो कन्फर्म नाम बताए जा रहे हैं वो कौन है आइए आपको बताते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं कुछ सालों से हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ नजर आ रहे हैं। अभिमन्यु और अक्षरा के किरदार में लोग इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मौजूदा ट्विस्ट की बात करें तो इसमें अक्षरा माँ बनने वाली है, वह अभिनव के बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है। 10 नवंबर से पहले पहले इन दोनों का ट्रैक रैपअप हो जाएगा। प्रणाली और हर्षद अब चंद दिनों की मेहमान हैं, इसके बाद इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक चौथे जनरेशन लीप में शुभ सगुन फेम एक्टर शहजादा धामी की एंट्री होगी। वह शो में अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे और ये कन्फर्म नाम है, ऐसा दावा किया गया है। शहजादा धामी ने ये जादू है जिनका में काम किया है। सोशल मीडिया पर वह एक्टर के साथ साथ खुद को शायर भी बताते हैं। वहीं फिल्मी बीट के मुताबिक शो में शिवम खजूरिया नजर आएंगे, वह हर्षद चोपड़ा को रिप्लेस करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक्टर को मेकर्स ने बतौर हीरो के लिए साइन भी कर लिया है। बॉलीवुड बबल के हवाले से लिखा गया है कि शिवम इस शो को लीप के बाद ज्वाइन करेंगे और वो शायद अभीर का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर की तरफ से आना बाकी है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।